असि जन हम बे जन साल बड़े पे जन दिखा खादा जन हम तैयार कर जी। तो सिस्टर का कहना है ऐसी रेसिपी है जो आपने कभी खाई होगी ना कभी देखी होगी, तो हमारे साथ रही जी सिस्टर कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं आपको दिखाते हैं जी। अच्छे जी सारे जना मसाला ते आलू वगैरह कट किते से जना होण असा इन सारे मिक्स करते जना वाल इन मसाला मिक्स साड़ी जना धनिया तैयार थी गए जना हम मैं ऊ हाडे नहीं बड़े धनिया ने राजिया मसाला वगैरह जो धनिया वाट कर ते उनो ही होते वाले जना मैं बड़ा क्या रही है। मैंने वो हांडी इस्तेमाल करनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी वजह से मिसाला भी इसके अंदर डालेंगे और इधर इसको तैयार करेंगे।
सारा कुछ मिक्स करके थे से टमाटर आलू प्याज सारा कुछ होना सा जना गोश्त मिक्स करें के थे प्याज वगैरह और टमाटर इसमें ये निकाल लेंगे बाहर और घी में डालेंगे अभी प्याज वगैरह और ये सारा मिर्च वगैरह हर चीज़ भिंडी हो और साथ में अगर प्याज ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भिंडी का, भिंडी प्याज के बगैर समझ लिया तो है। सकाफत का ये घगरा तो आप लोगों ने पहले देखा होगा, ये देख
आज सिस्टर जो है वल्ला वाले पराठे बना रही है, तो हमारे साथ रहिए, आपको जी दिखाते हैं इसके साथ और क्या इनकी रेसिपी है, तो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए जी। जी हमने जो ना भिंडी उतारने वाले हैं, तो हमारी भिंडी ब्राउन हो चुकी है। देखें जी, आप अगर डिफरेंट करेंगे, कुछ ज़्यादा करेंगे, लोगों से हटके करेंगे, कोई अच्छी चीज़ बनाएंगे, अच्छी रेसिपी, टाइम भी लगेगा और टाइम के साथ साथ अगर जब खाएंगे, टेस्ट करें, तो फिर इस चीज़ का मज़ा ही अलग है। भिंडी तो देखें हर बंदा बनाता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से बनाना, उस पर मेहनत कितनी होती है, व्यूवर्स जी आप खुद देख रहे हैं। अगर अभी भी आप हमारी वीडियोज़ को लाइक ना करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चले जाएँ, तो आपकी मर्ज़ी जी। मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह और नमक डाल दिया गया है। अच्छा जी, सारी जना 15 to 20 मिनट लग सन, सारी जना रेसिपी जल्दी डाल दी। आज जी हवा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो हवा ने बुरा हाल किया हुआ ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। जी जैसा कि बाजी ने बताया कि आटा हमने बना लिया, आटा इसीलिए पहले बनाया क्योंकि आटा गूंदा था, तो उसको 10 मिनट के लिए टाइम दिया जाता है, फिर जो है ना रोटियां बनाई जाती हैं। अगर एकदम से बनाएं तो रोटियां ख़राब हो जाती हैं। देखिए सिस्टर ने तो बहुत माशाल्लाह ये ओल्ड कल्चर के बर्तन रखे हुए हैं, वाह कमाल। मैं कहता हूँ आपने व्यूवर्स, यकीन से कह रहा हूँ, अगर जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वो तो शायद देखा होगा उन्हें पहले वीडियो में कहीं भी, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं कहता हूँ नहीं देखे होंगे, ठीक है, इस तरह के जो हमारे चैनल वीडियो पहले लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के बर्तन। देखिए भिंडी जो है हमारी काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है और सिस्टर लगता है इसके बाद इसको उतारने लगी है नीचे भिंडी को, और इसके बाद और डालेंगे।
देखें ये क्यूट सी बेबी और अपनी मामा का कहना माना है, उस पानी लेके आई है गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा। तू तो खुद पी रही है, मम्मा को तो नहीं दे रही, अपने लिए भर के लाई है। व्यूअर्स आज कुछ बचत है क्योंकि हवा चल रही है, वरना मेहमान आज शाम तक बैठते और फिर खाना बनता। अच्छा सालन क्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हां जने आटा गुन के रखी थी, हां जे थोड़ी देर बाद सारो टेले।
जी तो व्यूअर्स, एक नई चीज़ आपको देखने में मिल रही है, ये है हमारे चोलिस्तान, रोही चोलिस्तान की मशहूर रलियाँ। ये हाथ से बनाई जाती हैं, ये हमारी सकाफत भी है, हम सकाफती तौर पे लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये हाथ से बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये देखें, ये पंखा हो गया, ये हमारे यहाँ जो गाँव की फीमेल होती हैं ये हाथ से बनाती हैं, और ये भी जो पंखा नज़र आ रहा है आपको, ये भी हाथ से बनाया जाता है। गाँव की जो फीमेल होती हैं, जैसे घर का काम ख़त्म करती हैं, खाना पीने के बाद, खाना खाने के बाद या बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद, वो अपने सारा दिन किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहती हैं, जैसा कि पंखा बनाना और ये रीलें वगैरह बनाना, और इस तरह के काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ये देहात की खवातीन बनाती हैं। अच्छा जनाब, सारा वो जनाब तरबूज के बनाया, सालन भी तैयार थी, रोटियां तैयार थी, तंदूर वाले ये सारा भिंडी का सालन भी तैयार थी, और पेसू खास वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाएं बाजी, बाजी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने दिन गर्म में भी इतना मेहनत की और हमें ये सालन बना के खिलाया, शुक्रिया। सारी इतनी कितनी मेहनत हुआ, अगर पसंद आई तो सारी वीडियो लाइक कीता करो, शेयर कीता करो, नाल कमेंट करो। चारों तरफ बहुत बड़ा डेजर्ट है, और डेजर्ट में जो है बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल है, जब तक गाड़ी की हवा कम नहीं करेंगे तब तक ये बहुत परेशान हो गया। नहीं जी, मैंने आगे वाले टायर की थोड़ी सी कम कर दी हवा, और अब करनी पीछे वाले टायर की हवा कम, गाड़ी को बंद कर देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो रखी थी, ऐसा ना हो कि ज़्यादा हवा कम हो जाए और मेरे पास तो पेंचर वगैरह का सामान भी नहीं है। करते हैं जी बिस्मिल्लाह आगे। जी तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा सफ़र करने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं ये इन्होंने पानी वाले जो हैं, ये वाटर पम्प आ रहा है इधर, तो ये सारा डेजर्ट ही ज़्यादा थे, तो यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, ये कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, ये जंगल में रहते हैं और इनके खाना पीना जो भी होता है इनके साथ ही होता है, ये लोग इधर ही बैठ के कुकिंग करते हैं, और इनके जानवर वगैरह जो है माल मवेशी वो चला जाता है दिन में डेजर्ट की तरफ, और शाम में चरने के बाद ही वापस आ जाता है इनका माल मवेशी। ये देखें जी, गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि यहाँ पर पाइप लाइन लगाई हुई है इन्होंने, ये यहाँ से थोड़ा बहुत पानी ज़ाया हो रहा है। ये जो जानवर और चिड़ परिंद हैं, अल्लाह ताला ने देखें हर एक चीज़ को पानी पीने के लिए देना है ज़रूर, तो ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, बाकी पाइप लाइन जो है ये सीधी आगे जंगल में जा रही है। ये जो हैं कैमल्स वाले या भेड़ों वाले हैं, ये उनका थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं। बाइक बहुत गर्म हो गया था, मैं दो मिनट के लिए रुका हूँ, तो ये देखें जानवर वगैरह खुद ब खुद ही छांव के नीचे आके बैठ जाते हैं दोपहर में।